इंदौर आदर्श पूर्वी कोरी समाज की स्थापना दिवस स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश वर्मा द्वारा की गई एवं संचालन केशव वर्मा द्वारा किया गया। वरिष्ठ समाज सेवियों बीडी वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हीरा लाल वर्मा, मोहन कुमार वर्मा, छेदी लाल वर्मा का सम्मान किया गया। साथ ही समाज सेवी राम प्रकाश वर्मा एवं अन्य समाज सेवी जिनका कोरोना की वजह से देहांत हो गया था, उनके परिजनों का भी सम्मान किया गया। साथ ही समाज की धर्मशाला निर्माण हेतु भारी मात्रा में चंदा एकत्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह शाकेवार, प्रदेश महासचिव मदन लाल धीमान, प्रदेश महासचिव आनंद वर्मा एवं अन्य समाज सेवी एवं समाजजन भारी मात्रा में उपस्थित रहे। सचिव एडवोकेट शैलेंद्र वर्मा एवं जयप्रकाश वर्मा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इंदौर से रविकांत वर्मा की रिपोर्ट। परिचय सम्मेलन करें, उसके बाद में आज 18 वर्षों से हम लोग सामूहिक विवाह कर रहे हैं। सामूहिक विवाह भी हम लोग जो है, जब समाज की मांग हुई कि हम दूसरों के साथ मिलकर के करें, तो हमने कोरी समाज की एकता के लिए अपनी संस्था को उससे जोड़ा और हमने हमने आदर्श वस्कार कोरी समाज के साथ में एक भव्य कार्यक्रम करा। उसके बाद सामूहिक विवाह समिति के जो काफ़ी समय से बंद पड़ी थी, पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी थी, वो सामूहिक विवाह नहीं कर पा रही थी, उसको हमने जीवित करा। उसके साथ में हमने सामूहिक विवाह करा और उसे भी स्वचालित किया। उसके पश्चात जो हमारे बुजुर्ग जो हमारे बीच नहीं रहे, हमने उनका भी सम्मान किया आज। और आज जो हमारे बीच में हैं, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने यहाँ की स्थापना की संस्था की, ऐसे बीडी वर्मा जी संस्थापक का भी हमने आज अभिनंदन पत्र के द्वारा उनका स्वागत किया, उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी। पत्रकार श्री हिराल जी वर्मा जी का भी हम लोगों ने सम्मान किया। यहाँ पर मोहनलाल जी वर्मा जी का भी हमने सम्मान किया और हमारे छेदीलाल हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो भी संस्था एकजुटता से काम करेगी, एकता से काम करेगी, वह आगे बढ़ेगी और हमेशा बढ़ती रहेगी। यह संस्था हमेशा एकता से काम करती है। मेरा नाम केशव वर्मा, मैं आदर्श पूर्वी समाज का महासचिव एवं प्रदेश का सचिव। स्वर्ण पुरुष की सम्मान से नवाजा गया है जिन्होंने इस संस्था की स्थापना करी, उनमें क्या क्या नाम थे? हीरा लाल जी वर्मा, भगवान दीन जी वर्मा, मोहन कुमार जी वर्मा, छेदी लाल जी वर्मा और जो दिवंगत हुए साथी उनके श्रीमतियों का यहाँ पर सम्मान हुआ, श्री राम प्रकाश जी वर्मा की धर्मपत्नी जी का किया और साहेब दीन जी वर्मा की धर्मपत्नी का सम्मान राजेश रामपुरिया जी का यहाँ सम्मान किया गया। इनको लोह पुरुष की संज्ञा से सम्मानित किया गया सर, कि जैसे हमारे स्वर्ण जयंती मनाई है, इसमें इन लोगों ने इतना सहयोग किया था कि संस्था अभी तक चल रही है। ये किसी संस्था का 50 वर्ष तक लगातार बड़े बड़े कार्यक्रमों के साथ किया जाना अपने आप में गौरव की बात है। और उसमें आदरणीय हमारे हीरालाल जी वर्मा साहब, केशव भैया, शैलेंद्र जी, नीरज जी और मनीष जी, इन सब छेदालाल जी, इन सब लोगों का बहुत सहयोग रहा है। तो ये जो संस्था है, ये सारे कोरियों को अपना सहयोग देती है और सारे कोरियों से संस्था सहयोग लेती है, ताकि कोरी के नाम पर जो संगठन है हमारा, वो मजबूत होता रहे। अभी हमारे पत्रकार हीरालाल जी वर्मा साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि इंदौर में जो विभिन्न तण हैं या प्रदेश में तण हैं, इनको हम एक कैसे करेंगे। हमने पिछले समय नीतिगत निर्णय लिए थे कि जो संस्थाएँ छोटी छोटी देश की आज़ादी के पहले से देश में निवास कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्र से आकर उन्होंने अपने विकास के लिए छोटे छोटे समाज के संगठन बनाए थे, तड़े बनाई थी और वो उनमें इकट्ठे रहकर अपने समाज का विकास करते थे, बच्चों को शिक्षा के लिए, बुजुर्गों को सहयोग देने के लिए, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर था उनको मदद देने के लिए वो अपनी अपनी संस्थाओं में संगठन चलाते रहते थे। पर जब 1971 में दिल्ली में अखिल भारतीय संगठन बना, उसके बाद ये आवश्यकता महसूस की गई कि उस बैनर तले हम सब कोरी और कोली समाज के लोग एक हो जाएं। तो अभी जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि पूरे भारत में गोल्डन जुबली के रूप में मनाने के लिए यहाँ पूरी समाज के लोग एकत्रित हुए थे। हमारे आदर्श पूर्वी समाज के जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो सपना देखा था, आज वो सपने को हम सब लोग साकार करने के लिए उपस्थित हुए। आज उनका सपना साकार होने जा रहा है। शीघ्र ही निकट भविष्य में ये जो सपना देखा था,
इस जो धर्मशाला के लिए जो जगह हमारे युवाओं ने साथियों ने जो खरीदी है उस धर्मशाला पर एक महीने के भीतर भीतर इसमें छत डल जाएगी, ऐसा संकल्प आज उपस्थित सभी माता बहनों ने, सभी युवा शक्ति ने और बुजुर्गों ने जो आज हमारा ये निर्णय किया है कि हम एक माह के भीतर भीतर हमारे बुजुर्गों के सपने को साकार कर और इस पर धर्मशाला निर्माण कर, इस पर छत डालने का कार्य पूर्ण करके हम धर्मशाला का निर्माण करेंगे, ताकि 51वीं जयंती जब भी हमारे समाज की आए तो हम इसी में ही अपनी बैठक को आयोजित कर सकें और हमारे सब बुजुर्गों के सपने को साकार कर सकें। मैं अर्जुन सिंह शाक्यवार, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कोरी कोली समाज शाखा मध्य प्रदेश।